2006 as a media professional, and it's only befitting that my first show as a writer producer is on this platform, so I wouldn't be more happy about it. The little about the concept that the reason of picking this show, Jaane Anjaane Hum Mile, which not only sheds light on the Atta Sada tradition, which essentially is exchange marriage of a brother sister. Within each other, where usually the second girl is called as a guarantee, and what happens when two alphas collide, and especially with two strong-willed characters, Reet Chaudhary, who's a investigative reporter in Gwalior, and Raghav Suryavanshi, when they both come together, and can a transaction bloom into true love in an Atta Sada marriage? Thank you so much, ZTV. Thank you so much, Rose Movies, Audiovisuals, and thank you so much, Sonal. सच बताऊँ तो जब ये किरदार मेरे पास आया तो मैंने बहुत सोचा उसके बारे में. फिर सोनल का मेरे पास कॉल आया और सोनल और मैं बहुत बहुत पहले से काम कर रहे हैं साथ में, आप जानते हैं. और जब सोनल ने मुझे कैरेक्टर के बारे में बताया और सबसे पहले ये कहा कि जब मैं लिख रही थी तो मेरे आंखों के सामने आपका चेहरा था, मैं कैसे इस रोल को मना कर सकती थी. दैट सो एक्साइटेड मी. फिर मुझे जब मुझे नरेशन मिल रहा था तो मेरे सुन रही थी, मैंने अच्छा अच्छा ओके फाइन. और जब वर्ड आया ना आटा साटा तो मैं सीधी ऐसे बैठकर खड़ी हो गई, ये कौन सा शब्द है आटा साटा. बट मुझे एक्चुअली बहुत अट्रैक्ट किया इस शब्द ने, इस ये जो आटा साटा का शब्द है इसे समझने की कोशिश की मैंने. और जो मेरा किरदार है आप समझ सकते हैं कैटलिस्ट की तरह है कि इन दो अल्फा जो हैं हमारी रीत और राघव, इनको कैसे इनकी जिंदगी में खचट पचट करना है. वो एक और अल्फा है शारदा सूर्यवंशी. तो आप कह सकते हैं कि इट्स अ क्लैश ऑफ दीज टू पीपल. और बहुत सुंदर किरदार है, बहुत वल्नरेबल भी है, जुझारू भी है, मुखौटे पे मुखौटे हैं. आपने इसके पहले जो भी किरदार देखे होंगे मेरे, वो एक तरह से चलते थे, लेकिन ये ऐसा किरदार है कि हर कुछ एपिसोड्स के बाद इसका एक एक मुखौटा उतर जाएगा और आप शारदा सूर्यवंशी का एक नया चेहरा देख पाएंगे. आई एम वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ जाने अनजाने हम मिले. हम सब जाने अनजाने मिले हैं और आप सभी का पार्ट बनने आ रहे हैं. थैंक यू सो मच. आई एम वेरी थैंकफुल टू माई डायरेक्टर ऑल्सो उद्धव जी जी, मेरा हम सब के किरदार बहुत खूबसूरती से बाहर निकाला है. थैंक यू सो मच. भरत की तरफ, भरत प्लीज थोड़ा और बताइए आपके किरदार के बारे में. राघव का कैरेक्टर है यार, उसने लाइफ में बहुत कुछ देखा हुआ है, मतलब उसके ऊपर काफ़ी कुछ बीती है. उसकी मदर पहले ही चली गई थी तो बुआ चली गई,
पाला पोसा है और बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब बहन के लिए कुछ भी कर सकता है वो वाली है, और ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं है चीज़ों को लेकर क्योंकि इतना कुछ अंदर भरा हुआ है तो, और बुआ जी की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता है, बहन से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, और उसका मानना है प्रैक्टिकल है लाइफ, उसका मानना है कि पैसे से कुछ भी तुम खरीद सकते हो और प्रैक्टिकली होना चाहिए लाइफ में, और कुछ ऐसा कि एक्सपीरियंस ऐसे हैं उसके, पास्ट एक्सपीरियंस ऐसे हैं तो उसके अकॉर्डिंग वो ये सोचता है कि पैसे से सब कुछ करेंगे। थोड़ा और बताइए रीत के बारे में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग गाइस, थैंक यू जी, थैंक यू सोनल। रीत चौधरी, सो जब मुझे इस किरदार के बारे में पता चला था कि रीत एक इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, जो मैंने रिपोर्टर का कभी कोई कैरेक्टर प्ले नहीं किया, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। शी इज स्ट्रॉन्ग, शी इज इमोशनल, लोगों की हेल्प करती है, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करती है, जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ बिकॉज ऑफ कोर्स माई फैमिली इज माई प्रायोरिटी। सो रीत के बहुत सारे ऐसे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे मैं बहुत रिलेट कर सकती हूँ, और उसकी जो जर्नी है शादी के बाद, जो सौदा होने वाला है, वो बहुत ही ब्यूटीफुल जर्नी है, जो आई थिंक आप लोग जब देखोगे तो आपको भी बहुत अच्छा लगेगा। जैसे जब मैंने सुना था तो मुझे बहुत अच्छा लगा था, और जब मैं अभी जी रही हूँ तो मुझे और अच्छा लग रहा है। सो इट्स अ ब्यूटीफुल स्टोरी, बहुत प्यारी स्टोरी है, और क्या ये सौदे के बीच में कभी प्यार हो पाएगा, इट्स ऑल अबाउट दैट। लाइक दो अल्फा लोग साथ में आ रहे हैं, दोनों अपने अपने कैरेक्टर को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपनी फैमिली को लेके बहुत स्ट्रॉन्ग है। सो लेट्स सी कि आगे क्या होता है। थैंक यू, देखो देखेंगे क्या रहता है वर्सेस सीटीवी पर। फ्रेंड्स, वी आल्सो हैव सहज राजपूत एज उन्नति एंड रोहित कुमार एज ध्रुव। आई लाइक यू टू प्लीज जॉइन द गेस्ट विद अस ऑन स्टेज।